संसद के शीत सत्र का आज चौथा दिन प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माल्यार्पण कर किया प्रधानमंत्री का स्वागत। तीन राज्यों में मिली शानदार सफलता का बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री को दिया श्रेय। मोदी जी का स्वागत है, मोदी है गारंटी के लगाए नारे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आज संसदीय कार्रवाई को लेकर बनी रणनीति, साथ ही प्रधानमंत्री ने सांसदों को दिया अगला टारगेट, कहा अब अगले मिशन के लिए रहे तैयार, 2047 तक बनाना है विकसित भारत। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार की कवायद तेज, जल्द होगी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, आज शाम 7 बजे कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे शाह। आज तेलंगाना में शपथ ग्रहण समारोह, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे राहुल, सोनिया और प्रियंका हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद के एलवी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह तैयारी पूरी, दोपहर करीब 1 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। रेवंत रेड्डी के साथ 5 से 6 मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस अध्यक्ष रणदीप जी भी शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, हिमाचल के सीएम के साथ पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की भी रहेगी मौजूदगी। देर रात जयपुर से दिल्ली पहुंची वसुंधरा राजे, आज बीजेपी अध्यक्ष से कर सकती है मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक शक्ति प्रदर्शन के बाद वसुंधरा राजे ने अपनाया लचीला रुख, बीजेपी आलाकमान से फोन पर कहा मैं पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हूं, पार्टी लाइन से कभी बाहर नहीं जा सकती। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी के 10 सांसदों ने पद से दिया इस्तीफा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल भी शामिल। स्पीकर से मिलकर दिया सिंह, रीति पाठक, अरुण साव, राकेश सिंह और राजवर्धन राठौड़ ने सौंपा इस्तीफा। राव, उदय प्रताप सिंह और गोमती साय ने भी छोड़ा पद, किरोड़ी लाल मीणा का भी इस्तीफा। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान का शक्ति प्रदर्शन, लाडली बहना सम्मेलन में हुए शामिल, एक आदिवासी के घर पर खाया खाना। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे सीएम, लाडली बहनों ने की फूलों की वर्षा, कहा मैं 2024 के लिए अपने मिशन 29 में जुटा हूं। दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक में कैलाश विजयवर्गीय का सम्मान, इंदौर से जीता है विधायक का चुनाव, अध्यक्ष नड्डा भी रहे मौजूद। राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देने वाले बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा की मांग, संस्कृति को बचाने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु किया जाए घोषित। बिहार के डीएनए वाले बयान को लेकर डीएमके नेता रेवंत रेड्डी पर भड़की जेडीयू, प्रवक्ता नीरज कुमार बोले मामले को गंभीरता से ले कांग्रेस आलाकमान, इससे इंडिया गठबंधन को होगा नुकसान। विपक्षी गठबंधन में नाराजगी और विवाद रोकने के लिए राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को किया फोन, अगली बैठक को लेकर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 लोकसभा में पास, जवाब देते हुए अमित शाह ने नेहरू की गलतियों को बताया ब्लंडर, कहा भारत के अंदरूनी मामले को ले गए यूएन। अमित शाह ने संसद में कहा जब जीत रही थी भारत की सेना तो कराया सीज फायर, वरना आज पीओके होता देश का हिस्सा। नेहरू पर अमित शाह के बयान से भड़की कांग्रेस, कई सांसदों ने लोकसभा से किया वॉकआउट। पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने उठाया था मुद्दा, कहा कश्मीर को लेकर नेहरू ने क्या चूक हुई क्या नहीं, इस पर सदन में चर्चा कर खत्म करें विवाद। अमित शाह के बयान पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, पहले करते थे पाक अधिकृत कश्मीर को जोड़ने की बात, अब सिर्फ आरक्षण पर रुक गए। आइजोल में राजभवन राज्यपाल से मिले जेडपीएम के अध्यक्ष लाल डुहोमा, मिजोरम के अगले मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने माना स्वास्थ्य विभाग को लेकर चल रहा है विवाद, कहा मुख्यमंत्री जल्द करेंगे इसका समाधान। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी, देहरादून में सीएम धामी ने लिया जायजा। भुवनेश्वर हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस के कोच में लगी आग, कटक रेलवे स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन, एक कोच के निचले हिस्से से उठती दिखाई दी लपटे। चक्रवाती तूफान मिचौंग के गुजरने के बाद चेन्नई में कई इलाकों में भरा पानी, कई दुकानों को पहुंचा है भारी नुकसान। चेन्नई के वेलाचेरी में बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन, एनडीआरएफ ने स्ट्रेचर से पहुंचाया अस्पताल। आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले में तूफान मिचौंग का दिखा असर, सरकारी अस्पताल में भर गया पानी। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में तूफान मिचौंग से बर्बादी, खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने से किसानों को परेशानी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेनगंगा नदी में जलभराव के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन, 26 गांव के लोग शामिल। चेन्नई के एक इलाके में भारी बारिश, तबाह जैसे बने हालात, सड़कों पर जलभराव का संकट, यातायात में मुसीबत। चेन्नई के इलाके में जलभराव से पेट्रोल पंप डूबा, बस स्टॉप भी पानी में डूबे, आए नजर हर तरफ पानी पानी।
देश भर से लाखों की संख्या में पहुंचेंगे राम भक्त। 50 देशों के प्रतिनिधियों को निमंत्रण। राम मंदिर अभियान में जान गंवाने वाले 50 कार सेवकों के परिवार को न्योता। गोवा के पोरवेरिम में स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की हुई अहम बैठक। सीएम प्रमोद सावंत बैठक में हुए शामिल। शिमला में हिम एरा फूड कार्निवल का आगाज। परोसे जा रहे हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन। जम्मू के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोजगार मेला का आयोजन। बड़ी संख्या में युवा हुए शामिल। असम राइफल्स ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय एकता यात्रा का किया आयोजन। बड़ी संख्या में बच्चे हुए शामिल। गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। आज से नागपुर में शुरू हो रहा है महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। महाविकास अघाड़ी के पोस्टर के जरिए शिंदे सरकार को घेरा। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर किया पलटवार। बोले, बोलने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। देहरादून में होम गार्ड और सिविल डिफेंस के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन। G20 अध्यक्षता के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कार्यक्रम को किया संबोधित। दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने HDMC 19 कॉलेज सुरक्षा प्रबंधन कार्यक्रम में लिया भाग। लोगों को किया संबोधित। सीएम धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का किया निरीक्षण। कहा, राज्य में आएगा बड़ा निवेश। कल प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा। प्रधानमंत्री करेंगे उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर क्यूरेटिव याचिका पर अगले हफ्ते आ सकता है फैसला। 2 बार खारिज हो चुकी है पुनर्विचार याचिका। अमीरों की लिस्ट में 6 पायदान की छलांग लगाकर 16वें नंबर पर पहुंचे गौतम अडानी। एक हफ्ते में $10 अरब नेटवर्थ बढ़ने से फिर हुई अडानी की टॉप 20 में एंट्री। नेटवर्क 18 में मर्ज होगी अंबानी की टीवी 18 और ई 18 नेटवर्क। इसमें टीवी 18 के 20 न्यूज चैनल।